Hi guys, I'm Shweta and welcome on my YouTube channel. So guys, it's been a long ki maine video nahi banaye because I was busy somewhere else. Isliye mujhe time nahi mila video banane ka, but now I am back. सो गाइस, मेकअप करना हर लड़की को बहुत अच्छा लगता है. और मेकअप करते समय जनरली हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो है ये कि हम अपनी आईब्रोज को हमेशा छोड़ देते हैं. और आईब्रोज अगर आप अपनी नहीं बनाते हैं तो आपका मेकअप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगता है. वो आपको तब फील होगा जब आप आईब्रोज बनाना शुरू कर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं अपने मेकअप में कितनी बड़ी मिस्टेक करती थी अगर आप आईब्रोज नहीं बनाते हैं. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी आईब्रोज को कैसे फिल करना चाहिए और क्या है एक हैक जिससे आप कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को और भी ज़्यादा इन्हेंस. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैकी आईब्रो पेंसिल. आपने मेरी और भी इस पेंसिल को मेकअप ट्यूटोरियल में देखा होगा बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. एंड इसका जो शेड है वो है स्टार्ट, इट्स इन शेड स्टार्ट. और इधर साइड में इसके एक आता है स्पूली जिससे आप अपने आईब्रोज को ब्रश कर सकते हैं. एंड दूसरी साइड में ये है प्रोडक्ट. इसकी जो पेंसिल है ये स्लैंटेड है, इधर से स्लैंटेड है, तो आपको आईब्रोज के साथ वर्क करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इसकी जो MRP है वो है 1650 rupees समथिंग. आई थिंक 1650 की मैंने खरीदी थी, बट अब ये शायद 1800 या 1900 की हो चुकी है. थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. अगर आप इतनी एक्सपेंसिव पेंसिल पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप और भी पेंसिल्स खरीद सकते हैं. जैसे नायका ने भी अपनी बहुत सारी पेंसिल्स लॉन्च करी हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा वेट एंड वाइल्ड की भी बहुत अच्छी है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है, आप वो भी चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं. तो ये है पेंसिल, ये देखिए. हमेशा आईब्रो पेंसिल ऐसी चूज़ करें जो ब्लैक कलर की ना हो, क्योंकि ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल हमेशा नेचुरल लुक नहीं देती है. आप हमेशा ऐसा कलर चूज़ करिए जो आपकी आईब्रोज से मैच करता हो और जो बिल्कुल नेचुरल लगे. उसके लिए सबसे अच्छा कलर होता है डार्क ब्राउन कलर. तो ये देखिए, ये है ये कलर, डार्क ब्राउन कलर. कभी भी आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड ना खरीदे वरना आपको वर्क करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को दूंगी एक शेप और मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी शेप देना इस तरीके से. बहुत लाइट हैंड मुझे यूज़ करना है. उसके बाद मैं इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से फिल करूंगी, लाइक दिस. फिर मैं यहाँ पे एक आर्च बनाऊंगी और फिर नीचे की तरफ फिल करूंगी. अभी मैं फिर से आगे को फिल करूंगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कलर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आया है. मैं यहाँ से शेपन अप करूंगी. अब मैं ये लूंगी स्पूली और स्पूली से करूंगी अपनी आईब्रो को ब्रश. पहले आपको इसे अपवर्ड्स मोशन में करना है इस तरीके से, और फिर इधर की तरफ से करना है थोड़ा सा डाउनवर्ड मोशन में, ताकि आपकी जो ब्रो है वो शेप में रहे. सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि इस आईब्रो में और इस आईब्रो में कितना डिफरेंस आ चुका है. सो गाइस, अब है हैक की बारी. सो गाइस, हैक के लिए आपको चाहिए कंसीलर. मैं यहाँ पे ये कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी कर सकते हैं. और आपको अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर शेड चूज़ करना है, फर्स्ट वन. अब मुझे यहाँ से एक ड्रॉ करना है इस तरीके से, सिंपल. और आउटर एरिया में लगाना है इस कंसीलर को पूरी आईब्रोज के चारों तरफ. ये करता क्या है कि आपकी आईब्रोज को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, और जिसको हम बोलते हैं क्लीनिंग. अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी, मैं फिंगर से ही कर रही हूँ. आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं.
सो गाइस देखिए मैंने अपने आईब्रोज़ की क्लीनिंग भी कर ली है, मीन्स उसको बिल्कुल इन्हेंस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आईब्रोज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा बुशी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड लग रही है। इसमें देखिए कि इसमें कैसा ओवरऑल लुक आ रहा है और इधर देखिए इसमें कैसा ओवर लुक आ रहा है। दोनों ही फेस में, दोनों ही साइड के फेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। सो गाइज यही थी इंपॉर्टेंस जो आपको बताना चाहती थी कि आईब्रोज़ बिल्कुल भी मिस ना करें मेकअप करते टाइम। थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।